कौन सी क्लास में है? क्या पढ़ाई नहीं करते? जूस पीना है भाई? दो भाई जूस दो एक। और भाइयों हेल्प करता करो ऐसे लोगों की, खिलाफ ला दिया करो। ठीक है गुड़िया। तो भाइयों राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो भाई लोग, मजे में सब? तो आज मैडम को करवाएंगे वर्कआउट, ठीक है, साइड फैट का। चलो आगे चल के दिखाते हैं अभी। तो गाइस आज हम कराएंगे स्टमक की साइड फैट की एक्सरसाइज। चलो प्लेट उठाओ, सीधे खड़े हो, पैर में इतना गैप, गैप थोड़े ही रखना पैर में। चलो करो, स्टार्ट करो। ये जब राइट जाएंगे तो ये वाला स्ट्रेच होना चाहिए, जब लेफ्ट जाएंगे तो राइट वाला स्ट्रेच होना चाहिए। ये है प्रॉपर एक्सरसाइज साइड फैट की। चलो करो, शाबाश लगाओ। तो भाई ये सेकंड एक्सरसाइज बेली फैट की, जो हमारे बैक पर फैट होता है बेली फैट। चलो वाली करके दिखाओ, फ्रंट राइट वाला आगे, ये वाला पीछे। चलो लगाओ, आगे जाना है। चलो आगे, चलो शाबाश, पूरा स्ट्रेच हो रहा है। तो दो एक्सरसाइज कर सकते हैं हम स्टार्टिंग में। न्यू कमर्स होता है एकदम से ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी, इजी करनी है। बस वेट लेंगे 2.5 केजी, 5 केजी कोई सी भी ले सकते हो, और बस इजी है एकदम। साइड वाली ये सब कर सकते हो। तो ये हमारे आदिल भाई, भाई राम राम कह दो पहले तो सबको। राम राम है। तो ये हमारे आदिल भाई ने बनाई है आज की वीडियो, ठीक है भाई। आदिल भाई के लिए लाइक कर देना, अभी भाई को बॉडी बॉडी भी बनवानी है भाई की, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भी कह दो। अस्सलाम वालेकुम भाई सब लोगों को। चलो भाई, तो गाइस वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और मैडम का भी हो गया वर्कआउट पूरा, और ये जूस रखा हुआ है। मैडम ध्यान भी नहीं दे रही हैं, फ़ोन पे लग रही हैं, बात कर रही हैं। और आज मंगा ली हमने लंच में भिंडी, भिंडी बनेगी अभी घर में। और ये है खीरा, फाइबर, बेस्ट फॉर बॉडी बिल्डर, बेस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। वर्कआउट करते हो नहीं करते खीरा ज़रूर खाओ, बहुत अच्छा है। चलो भाई अब जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर शाम को मिलते हैं। चलो, कि तुम कहीं देखो इन्हें सब नुक्कड़ में सब करते हुए, तो इनकी हेल्प करो, पैसे दो या खाना दो, कुछ भी हेल्प करता करो यार। तो गाइस हेल्प करता करो इनकी, ये लो। कौन सी क्लास में है? क्या पढ़ाई नहीं करते? जूस पीना है भाई? दो भाई जूस दो एक। पढ़ाई भी करेगा। क्या उम्र के हैं? कितनी? 10। और कब से कर रही है सब? बचपन से। चलो जूस पी लो जाओ, ठीक है। तो गाइस अब बच्चे बुला देते हैं यार। दो भाई दो दो, पहले दो कर दो। मिर्च ज्यादा तो नहीं है? नहीं। पैक करवाना है? पैक कर दो भाई। और भाइयों हेल्प करता करो ऐसे लोगों की, खिलाफ ला दिया करो। ठीक है गुड़िया, आराम से ले जा। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6, और मेरी तैयारी हो रही है नीचे जिम जाने की, और नेहा जी कर रही है मेरी टी शर्ट पे प्रेस, और ध्यान से देखो, और इन्हें आ रही है नींद। 6 बजे तक ये लड़की सोई है, 6 बजे तक, और 6 बजे मैंने उठाया प्रेस करने के लिए, और अब भी नींद आ रही है इस लड़की को। ये देख लो, मेहनती लड़का, अरे देखो कामचोर लड़की। अच्छा नींद में प्रेस कर रही हो।
फिर वही डेढ़ किलो डाल, फिर मान लिए थे मुझे डेढ़। लोगों को ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं करती, मैं करती नहीं सब काम, आप तो मैं कराती रहती, फिर आप ऐसे बोल रहे हो। अरे ना, अरे नहीं गाइस, करती है लड़की काम, ऐसी बात नहीं है। रोज रोज पनीर बनता है, आज भिंडी बनाई है। अच्छा, आज आपको पसंद आती है पनीर? पनीर बनता है और वो वाली दाल जो मैंने दिखाई थी उस दिन, येल्लो वाली, और जिसने वो ब्लॉग भी देखा देख लेना। तो आपको पसंद है ना, तब तो अब पनीर आज आज भी आज भिंडी बनी है, मैंने अपने काम किया है। हाँ, तो मैंने तो मंगाई थी कि चलो लिया। अरे प्रेस कर दो, नीचे भी जाना है। अरे हाँ हाँ, कर रहे हैं, ड्यूटी पे भी जाना है। आप पे भी कर दो प्रेस ना, मुझ पे मत करो। और तो कह रहा कर देती अभी, चू करते रहते हो। देख लो गाइस, मैं चू चू करता हूँ। हाँ। इतना मेहनती लड़का सुबह उठता है, जिम जाता है, फिर अपना सबको बताना है कि पति से ज्यादा बीवी काम करती है, पूरा सब कुछ संभालती है, सब कुछ करती है। कुछ नहीं, आज सुबह से थोड़ी बहुत अपने एक्सरसाइज किया, भिंडी बनाई है बस। हाँ। और कुछ नहीं किया। ठीक है ठीक है, कल से खुद करना, और अपनी रोटी भी खुद बनाना। रोटी तो मुझे आती है बनानी, मैंने एक बार में बना दी। और जिसने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा वो भी देख लेना, लास्ट पिछला वाला ब्लॉग, उसमें मैंने खुद रोटी भी ऐसी सही बनाई है। बिल्कुल, सब बोल रहे हैं अच्छी बनाई है, सब लड़के लड़के बोल रहे हैं जिनके की भैया अच्छी बनाई है। पहली बार के लिए तो हाँ, फर्स्ट टाइम यार, एक नंबर रोटी बनाई है। मुझे खुद नहीं यकीन था, मैं बना लूंगा। अच्छा गाइस, तुम्हें भी यकीन नहीं होगा, सच बताना, कमेंट में बताना। तो मैं लग रहा था अच्छा कोई लड़का या चलो लड़की ले लेते, बना लेगा कोई एक बार में रोटी, मुझे तो नहीं लगता। मैं सीधा था, मैंने कसम से एक बार में रोटी बनाई है। तो ठीक है, कल से सब आप काम करोगे, जिम भी करोगे और मेरा भी करोगे, ठीक है? कर लोगे ना? बस हो गई, पति का जो फर्ज है पति निभाएगा, पत्नी का जो फर्ज है पत्नी निभाएगी। फिर वही। चलो गाइस, ये लड़की तो ऐसी लड़ाई करती रहेगी मुझसे, इतना मेहनती लड़के से। ठीक है गाइस, क्या बोलो। नहीं, मतलब रात को पता चलेगा, अभी रात बोले तो पूरी। चलो। ठीक है भाई, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस, मैं आया था स्प्राउट्स खाने, और देखो मैडम की कलाकारी चालू है। कितने बना लिए अभी तक? चार बना लिए। शाबाश। तो गाइस, चार बन चुके हैं, ये दो है, ये एक था, ये मैं पकड़ूं? हाँ, ये मतलब एक था, उसमें से दो कर दिए। हाँ। बीच में से काट दिया। और अगर ये ध्यान से देखो, इसमें फ्लावर बने हैं, फ्लावर बनाए हैं अभी, अभी कलर होगा उसमें। और क्या कहते हैं उसमें, कलर अभी रह रहा है, कलर होगा अभी उसमें कलर। और यार एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, प्रोटीन के ये सारे इम्पोर्टेड बॉक्स है, आते इतने महंगे महंगे हैं, साढ़े पाँच हज़ार का एक बॉक्स आता है, और क्वालिटी हल्की है ना, क्वालिटी हल्की है। चलो कोई नहीं, माल अच्छा होना चाहिए ना अंदर से। हाँ, ये भी बात सही है, ऊपर का तो क्या ही करना है, तो वैसे भी खा के ठीक नहीं है। हाँ तो सही है ना, काम में आ गए, सही लगे वैसे। हाँ अच्छा लग रहा है, चार बन चुके हैं, दो रह रहे हैं। और गाइस, जैसी वो पौधे वाला, जब से हमें लेने हैं पौधे वाला ही नहीं आ रहा, डेली निकलता था यहाँ से और अब नहीं आ रहा। और जैसी पौधे वाला आएगा ना, तो अब हम ले लेंगे और फिर तुम्हें दिखाएंगे। हाँ। वो देखना, मतलब अच्छे बनाए हैं, चार और है वो अलग रखे हैं, जब पूरे कम्प्लीट हो जाएंगे फिर लगवाएंगे पौधा, फिर दिखाएंगे सारे। ठीक है, देखो गाइस, डोरेमोन की राखी, बचपन के दिन याद आ गए देख के। अरे भाई गलती से गिर गई यार, लाइट जलाना इसकी एक बारी, लाइट जलाना, लाइट जलती है इसमें। बचपन के दिन याद आ गए यार ये देख के। तो और भी है, लाइट वाली भी। चलो बढ़िया, मैं आया था जरा यहाँ पे सामान लेने मंडी में, तो राखी दिख गई, तो मैंने कहा भाई से जरा देख ली जाए, बचपन के दिन याद कर लिए जाए। चलो भाई अभी मिलते हैं बाद में। तो गाइस, आ गया मैं भाई की शॉप पे चॉकलेट लेने, और ये देखो पीछे, देखो ये क्या नौटंकी बना हुआ, ये देखो क्या है, ये सही है, अपने अपना स्टाइल है, पंडे अपने अपने। चॉकलेट ले लेते हैं पहले, तो भाई ये चॉकलेट उठा लेते हैं यहाँ से। चॉकलेट ले लेते हैं यार यहाँ पे, तो यही वाली है, ये ले लेते हैं सिल्क चॉकलेट, या फिर नॉर्मल वाली ली जाए, ये वाली ले लेते हैं। तो भाइयों, चॉकलेट तो ले ली नेहा मैडम के लिए, और इसे थोड़ा सा फनी बनाते हैं, उन्हें दिखाएंगे नहीं ली है, फिर देखते हैं क्या करती हैं वो आज, क्योंकि चॉकलेट के लिए बोला था मुझसे कि बिना चॉकलेट लिए घर मत आना। ठीक है, चलो अब घर जाके मिलते हैं। गाइस, आ गया मैं घर पे,
अब बज रहे हैं रात के 10:30। अब खाना वाना खाएंगे और फिर खाना तो खा लिया होगा ना सबने, डिनर तो हो ही गया होगा सबका। और चलो देखते हैं आज मैडम के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर लेते हैं छोटा सा ऐसे ही। मैं चॉकलेट मंगाई थी, मैं छोटी वाली चॉकलेट लेके आया हूँ, 5 स्टार की छोटी चॉकलेट, और वो बिल्कुल नहीं पसंद है यहाँ को 5 स्टार। ठीक है चलो मैं बुलाता हूँ अभी। अरे खाना ला दो, पता नहीं कहाँ रह गई। तो गाइस कमेंट में बताओ क्या खाया आज तुमने। तो गाइस खाना आ गया अपना, चॉकलेट आइसक्रीम चॉकलेट सारी की सारी है। आइसक्रीम चॉकलेट आ क्या था, आइसक्रीम चॉकलेट सारी की सारी मेरी सहेली। पहले आके बंद करो फिर दूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेके आओ। बिल्कुल नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारी फेवरेट थी, मैंने पता है स्पेशल उससे बोला, उसकी दुकान में थी नहीं, टीटू भाई की दुकान में, उसने फिर किसी और कहीं और से मंगाई है। येलो नट्स वाली, हाँ वही नट्स नहीं है, बिना नट्स की है। ये देखो है नहीं है कितनी, हाँ देखो इतने मुश्किल से मंगाई, इतने मुश्किल से मिली है ये 5 स्टार। हाँ तो क्या हुआ, आपको पता है ना मैं नहीं खाती 5 स्टार, और वो भी तो चुटरू सी थी, टूटी फूटी सी। अरे डाल बहुत मुश्किल से मिली है ये मुझे। आप खा लो मुझे नहीं। अच्छा अरे गाइस एक बात बताओ, अगर तुम सब अपनी वाइफ के लेके जाते हो, तुम्हारी वाइफ भी ऐसी करती है, कोई प्यार से बंदा लेके आया तो ऐसे करोगी? जब पसंद नहीं है, पापा जी को पता है ना कि पत्नी को पसंद नहीं है तो फिर? पापा जी को पता है, पापा को नहीं पति को पता, पति को पता मतलब कह रही हो पापा जी को पता है। तुम्हारे पापा जी तो अपने घर है हल्द्वानी में, तो फिर आपको पता होना चाहिए मैं नहीं खाती हूं, क्यों लाया? अरे खा लो, वो थी नहीं उसके पास, क्रीमी होती है, चॉकलेट ही होती है, चॉकलेट ही क्रीमी अंदर दोनों वैसे। अच्छा वो कैरेमल होता है उसके अंदर। हाँ, अच्छा अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं डाल, 8 मिनट उठो, आंख बंद करो फिर दोबारा से। अरे मैं नहीं करती, मैं जा रही हूं, मुझे काम करना है, काम करने तो जा रही है, एक मिनट रुको बैठ लो जरा, एक मिनट बैठो, बैठो तो सही, बैठो तो सही, ये कर लेके जा रही हो काम करने जा रही हो तो मेरे बिना नहीं रह जाओगे, लेके रुक जाओ। अरे ना हो चौक, मजाक कर रहा था, मैंने कहा भाई यार मैंने कहा देख लेता हूँ क्या बोलूँगी। ये रही मैडम की चॉकलेट, ये लो, क्या था मुझे याद था, तुमने कहा था ना, हाँ वेलकम, तुमने कहा था ना कि बिना चॉकलेट लिए मत आना, मैंने कहा ऐसे कभी खाना वाना ना मिले। चलो चलो ठीक है, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा और हाँ गाइस, जो तुमने वीडियो देखी थी वो बच्ची रस्सी पे चल रही थी, तो यार मुझे मतलब समझ नहीं आया यार, आज अब तो वो केजरीवाल ने भी फ्री कर रखा है स्कूल का, तो बच्चों को स्कूल तो भेज सकते हैं यार, अब पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे यार वैसे भी जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया है, तो चलो जो भी यार अब पता नहीं, अगर गाइस तुम सब देखते हो ये सब करते हुए बच्चों को, तो उन्हें यार खिला पिला दिया करो यार, ठीक है, हेल्प करता करो, कपड़े हैं कुछ है देता करो यार, हम तो देते रहते हैं, ठीक है यार किसी का भला हो जाएगा, अगर 2 रोटी भी खिला दोगे तो ठीक है यार, करता करो हेल्प करता करो, ठीक है भाई, पैसे से पैसे दे दो पैसे दे दो, खाना खिला दो खाना खिला दो, कपड़े देने हो कपड़े दे दो, ठीक है गाइस, सबकी मदद करो, सबकी मदद करो यार। बहुत अजीब लग रहा था यार, वो बच्ची ऐसे कर रही है, मतलब क्या बोलूँ, मुझे तो वर्ड मिल नहीं रहे हैं, मेरे तो यार यही कहता, मैंने उससे पूछा स्कूल पढ़ते हो, मना कर रही नहीं स्कूल नहीं जाती, 10 साल कह रही थी, कह रही 10 साल की उम्र, तो यार जो भी है हो सकता है ये वीडियो पहुंच जाए उनके पास, कुछ पता नहीं है। अरे आंटी तो पढ़ा लो यार अपने बच्चों को, पढ़ा लो और वो पढ़ाई कर लेंगे तो आगे चल के और ज़्यादा कमाएंगी, हो सकता है 50,000 या 60,000 की उनकी जॉब लगे, और यार अब तो स्कूल में भी पता है गवर्नमेंट स्कूल में भी खाना मिलता है बच्चों को, वो तो खैर शुरू से ही मिलता है जो वाले स्कूल होते हैं, हाँ बच्चों को खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसा भी नहीं कि हाँ भैया बच्चे भूखे रह जाएंगे, कमाने तुम्हारे पास है नहीं खाने को, बच्चों को तो खिलाते ही यार स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है ये सब, और अब तो केजरीवाल ने अच्छा भी कर रखा है सब। चलो ठीक है यार गाइस, हेल्प करता करो बस यही कहूँगा मैं तो, और चलो व्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। देखो मुझे याद होता जा रहा है, एक बार मैं बोलने लगा हूँ। ठीक है गाइस, चलो बाय, गुड नाइट, बाय कर दो, बाय।